अच्छा भाई आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ना वो है जलेबी खबरदार जो कि जलेबी के नाम पे किसी के दिमाग में अगर कोई गंदमला कोई नच गाना कोई बेहूद चीज़ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझ में आए ना दिमाग सही रखो अपने भाई बात यह है कि मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं तमीज़ से अपनी रेसिपी शुरू करूं लेकिन मसला ये है कि तमीज़ दोनों साइड पर होनी चाहिए सुनने वाले के पास भी और बोलने वाले के पास भी तो यहाँ तो सबका मामला ही निल बटा निल है टेस्टी टेस्टी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ और मैं खाती रहती हूँ ये मेरी आपा है जिनका तो असल में ये पेज है मैं तो इनकी पड़ोसन अब क्या होता है कि आपा बेचारी बहुत अच्छी है अपना मोबाइल रख के भूल जाती है असल में बोलती बोलती नहीं वो मैं लेके छप्पर करके चली जाती हूँ और मैं उसके बाद वहाँ से ले जाके वीडियो लोड करके देती हूँ आपा बेचारी रेसिपीज डालती हैं बनाती रहती हैं बनाती रहती हैं वीडियो बनाती हैं और फिर मैं कर देती हूँ अब मैं पड़ोसन हूँ ना और मैं थोड़ी उनसे बड़ी भी हूँ तो मुझसे लड़ नहीं सकती अब तो क्या होगा कि फाइटिंग करेंगी मुझसे हार जाएंगी तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपा के मोबाइल में जब लेकर आई छप करके तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला तो पता चला कि आपा ने जलेबी बनाई थी अच्छा मेरे तो तन वदन में आग लग गई ये क्या बात है हमसे चुप चुप के जलेबिया खा रही है आज तो इस मिसनी की जो रेसिपी है मैं ख़राब करके ही रहूँगी तो रेसिपी तो सारी उसने सारी चीज़ें इतनी चल्लाक मिसनी है कि उसने सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख लिख के डाल दी लिख लिख के डाल दी लेकिन कोई बात नहीं डबिंग तो मैं ही करूँगी ना तो उसके बाद मैं बताती हूँ सबको कि इस रेसिपी की मैं एक चीज़ भी नहीं बताऊँगी लेकिन काम की मैं सारी बातें बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मिस नहीं है अब मुझे पता है इन्होंने मेरा पता क्यों काटा कोई बात नहीं इन्होंने मेरा पता काटा मैं इनकी रेसिपी की डबिंग काट दूंगी इन्होंने क्या किया इतनी तो तुम को आती है ना भाई पोस्ट पे लिखते हैं बड़ी झाइल औरतल औरत है तुम हो सारे पढ़े लिखे है ना ना मार्लिन ब्रांडो दे सबको आती है इंग्लिश हमसे तो ज्यादा इंग्लिश आती होगी भाई सबको हमको तो आती नहीं है भाई हम तो झाइल हैं भाई डंके की चोट पर मानते बिगाड़ ले जिसने जो बिगाड़ना है जो करना है कर ले ऐसी की तैसी तो हमें तो आती नहीं है और जो कहता है ना कि रेसिपी अच्छी नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है तो पका लो ना जाके अपने पेज पर जाओ मुँह धो मुँह तो धोया नहीं है शक्ल देखिए अपने कद्दू करेले की शक्ल वाले भी ऐसे जैसे कमेंट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कहीं के पता नहीं बादशाह लगे हुए क्या लगे हुए खैर दफ़ा करो तो इन्होंने जिस तरह मेरा पत्ता काटा ना उससे मुझे याद आया कि कॉलेज बंगले मंगते फ़कीर किस्म के दोस्त होते हैं ना या रिश्तेदार होते हैं जो हर ज़रा सी बात को जो है ना ट्रीट मांगते रहते हैं ट्रीट दे ट्रीट दे सालगिराए ट्रीट दे अम्मा अम्बा की सालगिराए ट्रीट दे तो पास हो गया ट्रीट दे तेरा मैच में सीगरेट आ गया निकल तो गया ना ट्रीट दे ट्रीट दे तो सबसे पहले तो अपने हाथ पर ट्रीट लिखवा और उनके मुँह पर एक एक लगा दो कि ये ले ट्रीट ठीक है उसके बाद क्या करो कि घर में ही जलेबी बनाना सीख लो भाई ये सस्ती भी पड़ती है और गुन्नों की तरह घर में बना के ना उसको बाजार से अच्छा सा डब्बा ले ना बेकरी वाले को जाके कहना भाई ज़रा खाली डब्बा चाहिए वो कहेगा पचास रुपये लगते पचास रुपये में डब्बा ले लेना चीजें बड़ी बचत हो जाएंगी मैं सही बता रही हूँ सही आइडिया दे रही हूँ घर में चीजें बनाओ उसके बाद डब्बा खरीदो बेकरी वाले से पचास रुपये उसके मुँह पर मार ये ले कम बखत पचास रुपये हालांकि दो रुपये का डब्बा नहीं होता मगर वो ऐसे कम बखत मांग रहा होता है जैसे पता नहीं कितना महंगा डब्बा उसने छाप के रखा होता है घटिया किस्म का गत्ता होता है उसके बाद अच्छा हाँ वो लेके ना उसमें जलेबी रखे रिश्तेदारों को बांटो दोस्तों को बांटो भर भर के खिलाओ कंगलों पगरों को ऐसा कोई मसला ही नहीं और सब कुछ सब कुछ तुम भी कुछ तुम्हारी जेब पर भी हल्का अच्छा वो जाए ना ये देखो शीरा बना रही हूँ मैं शीरा बनाने के लिए देखो सबसे पहले तो चीनी होनी चाहिए तुम्हारे पास जाहिर बात है शीरा बनाओगे नमक का तो बनाओगे नहीं मिर्चों का तो बनाओगे नहीं चटे जी तो हम मना नहीं रहे हैं कि हरा धनिया पुदीना चाहिए और चीनी तो चाहिए होगी तो बताने की कोई बात नहीं अब ये लोग सब बाकी सब लोग कहते हैं आके पोस्ट पर ये नहीं बताया, नहीं बताया वो नहीं बताया वो नहीं बताया अरे जाके अम्मा से पूछ लेना अम्मा है ना घर पर अम्मा सब बताएंगी पहले चप्पल लगाएंगी थप्पड़ लगाएंगी फिर सब बताएंगी क्योंकि अगर तमीज़ सीखी होती है अपनी अम्मा से इतनी प्यारी प्यारी अम्माओं के ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे टेढ़े मेढ़े बच्चे तोबा ऐसी हसी नसी बजाल है जो माँ के ऊपर कोई चला जाए है जो मांगे मैंने तो ये देखा है अपनी जिंदगी में कि जिनकी माए बहुत सुगड़ बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी होती है बच्चे तो ऐसे होते ऐसे होते जैसे काले काले बुतरे नहीं और माँ से तो ज़रा कोई सुगड़ा पर लिया आओ ज़रा कुछ सुगड़ा पर लिया हो, किस पे चले जाती फिर माँ अगर जल के ना कहें पप्पो पे चला गया पुप्पो पे चला गया तो फिर बुरा लगता है ददियाल वालों को आई हमारी बुराई कर रही है हमारी बुराई कर रही है अरे भाई क्यों ना करें तुम्हारा खून है जब डॉक्टर बन जाएगा इंजीनियर बन जाएगा तो छाती चौड़ी करके घूमोगे हमारा पोचा हमारा पोचा हमारा बचीजा हमारा ये हमारा वो है और वैसे कोई पूछ नहीं रहा माँ को कि भाई माँ बेचारी रात रात पर जाग रही है टहल रही है खाना खाया नहीं खाया उस वक्त तो भाई तुम्हारा बच्चा है तुम ही पालो तुम्हारा बच्चा हर दफ़ा करो तुम लोग तो इतना बोलते हो बात हो बात हो चीज कहाँ से कहा निकल जाती है तो मैं ये कह रही थी कि जिन आ, मुफ्त खोरों को तुमने ट्रीट देनी हो उनको तुम ये ट्रीट दे सकते हो बड़े मजे से है ना और लड़के बना सकते लड़के बना सकते हो अच्छा उसमें सुधे फायदा क्या है इसमें टिशन टाइश भी बहुत है इसमें शोशा भी बहुत है इसमें लशपश झटके पटके भी बहुत है लशपश झटके पटके ऐसे कि तुम जब सौदा लेने जाओ ना तो तुम वो ले लेना ले वो जो होते हैं ना वो जिससे वो केक के ऊपर फूल बूटियाँ बनाते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेटा है आइसिंग बेग आई आइसिंग बेग आई आइसिंग बेग बैग होता है ना बैग जैसे ब, बस्ता बस्ता उर्दू में कहते हैं बस्ता आइसिंग बैग ले लेना ठीक है ना इंग्लिश नहीं आती तुम तो लोगों को हर चीज बताऊं मैं तो वो जो है ना वो ले लेना उसको ना अपनी ट्राली में सबसे ऊपर के ऊपर रखना उससे क्या हो होगा जो मोहल्ले में उतरोगे ना मेले में, में उतरोगे तुम तो लोगों को सबको पता चल जाएगा ओहो बड़ी आच आइसिंग बैग लेकर आई है ले बड़ी अंग्रेजा हो गई है मलका विक्टोरिया की पोती और कहना भाई हम तो भाई बड़ी चीज़ें बनाते घर ला के ना उस आइसिंग बैग की जरा सी नोक काट के ना उससे जलेबियाँ बनाना किसी को क्या पता क्या हम आइसिंग बैग से क्या काम कर रहे हैं भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आइसिंग बैग से हम हम इसे मेहंदी भी लगा सकते हैं हम इसे हेयर डाई भी लगा सकते हैं हम इसे जलेबियाँ भी तल सकते हैं हम इससे कुछ भी कर सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं हम अपने दुश्मनों की सोते में मंगल पांडे जैसी मुझे भी बना सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आइसिंग बैग से केक की आइसिंग का ही काम करेंगे हम मल्टी टैलेंटेड लोग हैं टेलें, टैलेंट टैलेंट होते हैं ना टैलेंट हर आदमी का एक टैलेंट होता है हर औरत का भी एक टैलेंट होता है वैसे मल्टी टैलेंटेड हम लोग मल्टी टास्किंग करते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये देखो कितनी ज़बरदस्त मेरी जलेबी बने अच्छा जलेबियाँ पकाने को सबसे बड़ा फायदे बताओ ससुराल वाले आए जलेबियाँ पका दो लड़कियों तुम लोगों के लिए बड़ी प्रो टिप है बड़ी प्रो टिप है प्रो टिप ये है कि ससुराल वाले आए जलेबिया पका के रख दो कुछ सीधा पकाने नहीं पड़ेगा कितनी बजे की बात है मैंने मेरे मेरे ससुराल वाले मैंने जली पे पका के रख दी कह कहेंगे तो बड़ी अच्छी बनी असल में बात ये थी कि जल गोल रोटी जो हमें पकानी आती नहीं, है, नहीं, सीधी मैं है, नहीं, पका नहीं है तो टोड़ी मोटी में पका दो <laughs> तो देखो कैसे जबरदस्त जो है ना गर्मा गर्म तल तल के निकाली शीरे में डाली और तलने का तो काम हम बहुत अच्छा करते हैं रोस्टिंग का काम तो बड़ा अच्छा आता है क्योंकि हम लोगों को जलाते हैं तलाते अपने नए कपड़ों से चीजों से अच्छा जी काम सुनो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और पेज फॉलो कर दो ये मेरी बड़ाबा वाली की तस्वीर है ना मैं आया नहीं हूँ भैया इतनी प्यारी भैया मैं इसलिए प्यारी नहीं हूँ कि मैंने बचपन में एक शेर सुन लिया था कि अच्छी शक्ल भी क्या चीज़ है जिसने डाली बुरी नज़र डाली हाँ मेरी बुरी नज़र बुरी नज़र वाले का मुँह काला आला